अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं तवा गुर्दा कलेजी, जिसे बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम मटन की गुर्दा और कलेजी ले ली है। इसको क्लीन करके अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है। देखिए इस तरीके से पीसेस में ये कट किए हुए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हमें इसको पूरी तरह से गला लेना है, जिसके लिए आप प्रेशर कुकर का भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं इसको टॉप में गला रही हूँ। तो सबसे पहले एक बर्तन में इसको हम डाल देंगे। अब हम इसमें एक से डेढ़ ग्लास के करीब पानी ऐड करेंगे। अगर आप प्रेशर कुकर में इसको बना रहे हैं तो आप 3 सीटी ले लें, 3 सीटी में ये गल जाएगा। बट ये थोड़ी क्वांटिटी में है, जिसकी वजह से मैं इसको टॉप में गला रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सॉल्ट ऐड करूँगी। अब इसको फुल फ्लेम पर एक उबाल आने देंगे और लो फ्लेम पर इसको 30 मिनट के लिए कवर करके पका लेंगे। 30 मिनट में जो ये अच्छे से कुक हो जाएंगे। देखिए 30 मिनट में कितने अच्छे से कलेजी और गुर्दा हमारे गल चुके हैं। तो इसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, क्योंकि जो बाहर गुर्दा कलेजी तवे पर बनाई जाती है वो बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में वो लोग कट करते हैं। तो इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। तो ये सारे कट होकर रेडी हो चुके हैं। गुर्दों को भी मैंने इसी तरीके से कट कर लिया है। अब स्टार्ट करते हैं हम बनाना। तो एक तवा ले लिया है मैंने, उस पर 2 बड़े चम्मच तेल डाले हैं। ये तवा गुर्दा कलेजी हम बना रहे हैं, तो इसको तवे में ही बनाएंगे तो ज़्यादा इसका टेस्ट आएगा। तेल को गरम कर लें। तेल गरम हो जाए तो उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। और अदरक लहसुन के पेस्ट को हमें अच्छी तरीके से भून लेना है। इसका कच्चापन ख़त्म होने तक इसको भून लेंगे हम। देखिए ये भून चुका है। अब इसमें गुर्दा और कलेजी ऐड कर देंगे और इनको भी हमें अच्छे से भून लेना है। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है, लो फ्लेम पर कोई भी काम हम नहीं करेंगे। इसको तब तक भूनेंगे जब तक अदरक लहसुन का सारा फ्लेवर गुर्दे और कलेजी में ना आ जाए। देखिए इसको अच्छे तरीके से मैंने भून लिया है। हल्की हल्की सी ब्राउन कलर भी आ चुका है इस पर। अब 2 मीडियम साइज की प्याज को बारीक कट कर ले और इस पर ऐड कर दे। और प्याज को भी हमें अच्छी तरीके से भून लेना है। ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है प्याज को, सिर्फ हल्का सा सॉफ्ट होने तक हम इसको भूनेंगे। फ्लेम मेरी इस वक्त हाई है, मैं हाई फ्लेम पर ही इसको कुक कर रही हूँ। अगर आप हाई फ्लेम को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आप मीडियम फ्लेम पर भी इसको बना सकते हैं। अब साथ ही हम इसमें हरी मिर्चें कट करके ऐड कर देंगे। तेज़ आप जितना खाते हैं अपने हिसाब से हरी मिर्चें ऐड करें। और इसे भी हम कांदे के साथ भून लेंगे। देखिए प्याज और हरी मिर्चें भून चुकी है। अब 2 छोटे साइज के टमाटर कट करके ऐड कर देंगे। टमाटर का पेस्ट बिल्कुल भी ऐड मत करना, वरना इस रेसिपी में अच्छा नहीं लगेगा। कट किए हुए टमाटर ही ऐड करने हैं और टमाटरों को हमें भूनना है। इतना भूनेंगे कि भूनते भूनते टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए, गल जाए अच्छी तरीके से। तो देखिए टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मसाले ऐड करते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी और 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची और नमक 1/2 चम्मच ही ऐड करेंगे। अगर लगा तो और ऐड करेंगे। तो तेज़ वाली मिर्चें इसमें ऐड नहीं करनी है, क्योंकि हमने हरी मिर्चें डाली है तो उससे तीखापन इसका आ जाएगा। अब मसालों को डालने के बाद फ्लेम को हम थोड़ा कम कर देंगे ताकि मसाले जले ना, और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे। जब सारे मसाले मिक्स हो जाए तब थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे। पानी इसलिए ऐड करेंगे कि एक अच्छा सा हमारा मसाला भी बन जाए और जो मसाले सूखे हुए हैं ये अच्छी तरीके से कोट हो जाए गुर्दे और कलेजी पर। तो देखिए मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ और इसको भूनते जा रही हूँ कंटिन्यू। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल बटन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि बेल बटन को दबाने से ही मैं जो भी नेक्स्ट रेसिपी डालूँगी वो सबसे पहले आपको मिल पाएगी। तो देखिए इसको भून लिया है। अब इसको 5 मिनट के लिए थोड़ा पकने देते हैं मीडियम फ्लेम पर, ताकि सारे मसाले अच्छे से अपना फ्लेवर छोड़ दें।
तो देखिए बनकर अब रेडी हो चुकी है। अब इस पर हमारा हरा धनिया डाल देंगे और हरे धनिए को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और बहुत ही मज़े की खुशबुएं आ रही है इस वक्त। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और हरे धनिए से इसको थोड़ी सी हम गार्निशिंग कर लेंगे। थोड़े कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे और जब आप इसको खाएं तो नींबू निचोड़ें और फिर इंजॉय करें। तो हमारी मज़ेदार सी रेसिपी तवा गुर्दा कलेजी बनकर रेडी है और ये इतनी टेस्टी बनी थी कि आपको लगेगा नहीं कि आपने इसको घर में बनाया है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आने वाली है ये रेसिपी। इसको आप सर्व करें नान और पराठों के साथ। तो इसी तरह से अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे वीडियोज़ को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मैं मिलती रहूँगी इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।